हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने देखी 11/11। अब ये एक वेब सीरीज है ना, जो थोड़ी डिफरेंट है, पर कई हद में ये वेब सीरीज जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज ऑनेस्टली, वेब सीरीज एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्टेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है देखने में, और मुझे भी टाइम लगा। एंड यू नो, एक दो एपिसोड में आप डिसाइड करते हो कि आपको ये आगे देखना है या नहीं देखना है, पर वो एक दो एपिसोड में ही आपको पता चल जाता है कि यू नो, 2 घंटा कब निकल गया, और इतने में तो यार एक फिल्म देख ली जाती है। तो क्या आपको वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसी मकसद के साथ मैं आपके साथ ये रिव्यू लेके आया हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस वेब सीरीज में अपना टाइम डालना है या नहीं। तो अब 11/11 की बात करने से पहले इतना ही कहूंगा, वो लाइक बटन को प्लीज जरूर दबा देना, सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, एंड जितना हो सके कमेंट डालना कि आप भी मुझे कोई वेब सीरीज सजेस्ट करना चाहो, तो आई वुड लव टू वॉच दैट। अब 11/11 में वेब सीरीज की बात करूँ, Z5 पे है, 9 एपिसोड्स है इसके, हर एपिसोड करीब करीब 40 मिनट का है, और इसमें राघव जुएल है। तो अब मेन कैरेक्टर तो राघव जुएल और धैर्य है। तो राघव का नाम है युग, एंड धैर्य जो है उनका नाम है शौर्य अंथवाल। तो अब शौर्य जो है वो पास्ट, मतलब 1990s के टाइम के है, और मतलब पुलिस है, और धैर्य और युग जो है, राघव जुएल जो है वो 2016 के कॉप है। अब ये दोनों एक वॉकी टॉकी के थ्रू 11:11 रात को केसेस किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो उस पर बात करते हैं। तो किस तरह युग हेल्प करता है शौर्य अंतवाल को केस सॉल्व करने में पुराने वाले, और किस तरह शौर्य अंतवाल युग को बताता है कि भाई ये केस जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसका जो है रिलेशन यहाँ से है, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो इस पे ये बेस्ड है। अब मुझे ऐसा लगा था कि ये वेब सीरीज एक एक पर्टिकुलर केस पे होगी, पर ऐसा नहीं था। इसमें 3-4 केसेस थे, और वो 3-4 केसेस मुझे बाद में ऐसा लगा कि चलो ये 3-4 केस तो है, पर कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, पर वो भी नहीं था। सो आई वॉज कीपिंग ऑन एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ होगा, पर ऐसा नहीं था। तो उस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया इस वेब सीरीज से। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, एक क्राइम थ्रिलर को एक अलग पर्सपेक्टिव दी है, और ये वही मेकर्स है जिन्होंने हमें इस साल किल दी थी, धर्मा एंड गुनीत मोंगा एंड राघव जुएल अगेन उनके साथ इस वेब सीरीज में भी है। बट इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज ना, ये मुझे थोड़ा सा बाद में ऐसा डिसअपॉइंट किया व्हेन आई केम टू द क्लाइमैक्स। उन्होंने हालांकि ये बताया है कि इसका सीजन 2 भी आएगा, बट यार मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब मुझे वेब सीरीज ठीक लगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये वेब सीरीज को मैं इतना टाइम दूँ। ये एक फिल्म में भी शायद बन सकती थी, और शायद इसका सीक्वल लेके आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर 3-4 केसेस को लेके आके उसको सॉल्व करना, वो हमेशा ऐसा लगता है वी हैव टू लुक अप टू समथिंग, और एंड शायद एंड में हमें कुछ मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आई वॉज प्रीटी डिसअपॉइंटेड विद 11/11। हालांकि नो डाउट एवरीथिंग वॉज फाइन, एक क्राइम थ्रिलर के हिसाब से सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता है अगर ये जो पोर्शन है, ये फ्यूचर वाला जो पोर्शन है, पास्ट वाला जो पोर्शन है, वो नहीं होता ना, तो ये एक बेसिक सी क्राइम थ्रिलर होती। बस सिर्फ उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया ना उन्होंने, थोड़ा इनोवेशन डाल दिया, तो इससे शायद मैं इस वेब सीरीज को आधा मार्क ज़्यादा दे दूंगा। बट अगेन आई फील समथिंग वॉज मिसिंग, शायद कुछ क्लाइमैक्स में होना चाहिए था, शायद सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हो, शायद फर्स्ट केस लास्ट केस से जुड़ा हो, कुछ तो ऐसा हो, शायद जो 2-3 खुलासे उनको करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए। बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे मन में हैं। तो आई वॉज नॉट टोटली मेस्मराइज्ड विद दिस वेब सीरीज, एंड मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको क्राइम थ्रिलर अच्छी लगती है तो आप ये देखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज ये फ्यूचर पास्ट का जो है ना, ये इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। मतलब इसको बहुत ज्यादा फोकस में रख के नहीं किया है उन्होंने, उन्होंने बस इसको आई फील लेस यूटिलाइज किया, इसको और भी ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था, पर इन्होंने कम किया ऐसा मुझे लगा। तो यस, दिस इज वॉट आई फील अबाउट 11/11, एंड आई फील के सेकेंड सीजन शायद थोड़ा बेटर हो। बाकी परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी थी, कृतिका भी इसमें थी तो वो भी बहुत अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। एवरीबडी वॉज गुड इन दिस वेब सीरीज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, पर कॉन्टेंट और वो कॉन्सेप्ट मुझे लगा थोड़ा अनयूटिलाइज रहा। तो 11/11 मेरे लिए एक्चुअली 12 बजा दिए मेरे पूरे 9 एपिसोड, मतलब 9 4 36 करीब करीब 6 घंटे का मेरा टाइम जो है वो मुझे ऐसा लगा शायद कुछ और उसमें देख सकता था मैं। बट एनी वेज, मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 2.5 स्टार, एंड आई वुड टेल यू कि आप अगर क्राइम थ्रिलर पसंद करते हो तो आप दूसरे ऑप्शंस देख के आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज दिस माइट नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस।
दिस कैन नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस एक्चुअली. बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना. टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.